कानपुर के बर्रादो में रानी यादव के घर पर भंडारा हुआ। सुंदरकांड का वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद इसकी पूर्णाहुति हुई। भंडारे में बर्रा समेत आसपास के दर्जनों गांव के भक्त शामिल हुए। इस कार्यक्रम की क्षेत्र की जनता ने काफ़ी सराहना की। कारण ये था कि इस भंडारे के माध्यम से आसपास के गरीब परिवार और मजदूरों को भी भोजन मिल सका। इस मौके पर रानी यादव ने बताया कि 7 वर्ष पहले आए एक स्वप्न के बाद वो लगातार ये कार्यक्रम करवाती है। आज आपने किस तरह का कार्यक्रम किया, क्या उद्देश्य है इसका? आज मैंने वो सुंदरकांड करवाया, भंडारा भी करवाया, हमने रिश्ते नातेदारों को खिलाया, मैंने सबको पड़ोस में सबको पूछा, आसपास के मतलब मोहल्ले में सबको ही आया, जो रिक्शा वाले हैं वो भी, डगर में चलते हुए सब आदमी, सबको खिलाया पिलाया मैंने। मेरी इच्छा थी कि मैं भंडारा करूँ, सबको खिलाऊ पिलाऊ, इसलिए मैंने ये कार्य किया था। ये कितने सालों से आप करवा रहे हैं? ये 7 साल हो गए मुझे। अच्छा, इस तरह के कार्यक्रम से उनको आत्म शांति मिलती है। उनका कहना था कि यदि भगवान ने दिया है तो उन्हीं के नाम पर खर्च कर दो, इससे भगवान भी खुश होंगे और गरीबों का भी भला होगा। उन्होंने बताया कि विधि विधान से पूजा अर्चना कर मंगलवार को भंडारा के साथ इसका आयोजन पूर्ण हुआ। कानपुर से कमर महमूद की रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।